हेलो दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा फटाफट से करंट अफेयर चालीसा में तो करंट अफेयर चालीसा आप लोगों का एक दस मिनट का पार्ट है दोस्तों जहां पर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्या यहां पर जितने भी हमारे पूरे हफ्ते के चालीस इंपॉर्टेंट जो खबरें रही हैं उनको मैं यहां पर कराऊंगा अगर मैं बात करूंगा एमसीक्यू के तो पूरे वीकली एमसीक्यू का जो शतक है दोस्तों वो आप लोगों का लगता है सुबह को ठीक है और करंट अफेयर चालीसा जो है वो आपकी है शाम को नौ बजे ठीक है तो चलिएगा सेशन को शुरू कर लेते हैं एक बार फटाफट से दस मिनट का आप लोगों का है ध्यान रखिएगा और भैया चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो एक बार फटाफट से चलिएगा तो 10 मिनट की आप लोगों की क्लास है जहां पर 10 से 16 जनवरी आप लोगों को याद होगा और जिन्होंने नहीं देखी होगी वो 1 से 10 जनवरी की वीडियो पहले से पड़ी हुई है उसको देख सकते हैं करंट अफेयर चालीसा भाग दो है आप लोगों का ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं दोस्तों तो इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा सबसे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो यहां पर आप लोगों की क्लास है रात को दस बजे रात को स्टैटिक जी के मैराथन फॉर एनटीपीसी ध्यान रखिएगा अब तक के मतलब जो परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं अब तक जितने भी सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर आधारित जो बेस्ट 500 प्रश्न है मतलब जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं उसी को बेस करते हुए क्या क्या पूछा जा सकता है अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पांच क्वेश्चन के अंदर डालते हुए वो मैं आप लोगों को कराऊंगा फेज दो तीन चार वाले और ग्रुप डी वाले जरूर देखें एसएससी वाले कतई ना छोड़े इसको और जिनका आईबी का एग्जाम है उन अगर उन्होंने इस सेशन को छोड़ा तो उनको तो पाप लगेगा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिएगा तो आगे चल पड़ते हैं फटाफट से अगर मैं यहां पर बात करूंगा आप लोगों से तो ये आप लोगों का दोस्तों मेरा करंट अफेयर का कंप्लीट बैच चल रहा है इसके जोड़ीदार में आ रहा है एक जीके का बैच मेरा बहुत जल्दी ही उसको भी आप और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे फिर कोई भी आप लोगों को जो बैच है उससे आप बड़ी आराम से पार पा सकते हो पेपर है कैसा भी पेपर है कोई भी एग्जाम है इस बैच को और उस बैच को आप कंप्लीट कर लोगे तो एक नंबर कंटेंट उसमें आप लोगों को मैं दूंगा जहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों एक साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा 5400 का बाकी आपके क्वाइंस लग जाएंगे तो पांच हजार से कम कम का हो जाएगा जीसी टेन आपको अपना कोड लगा देना है ठीक है चलिएगा यहां पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक मेरी प्रैक्टिस की क्लास होती है एक बजे डेली अन अकेडमी की ऐप पर उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे जी टेन कोड लगाने के साथ ही तो चलिएगा शुरू करते हैं हनुम आपकी करंट अफेयर चालीसा को तो करंट अफेयर चालीसा जो कोई पढ़े पढ़ावे करंट और स्टैटिक का डरना उसे सतावे ठीक है तो चलिएगा चालीस खबरों पर ध्यान देंगे और चालीस खबरों को पढ़ेंगे तो गुड मॉर्निंग है सभी को बहुत बढ़िया चलिएगा सेशन को शुरू कर लेते हैं लाइक कर दो शेयर कर दो चलो दोस्तों हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इंग्लिश अरेबिक फ्रेंच और रशियन और चाइनीज डे कब मनाए जाते हैं फटाफट से दोस्तों आगे चलेंगे फटाफट से तो देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है, है वो आपकी ग्यारह जनवरी को मनाई जाती है मतलब ग्यारह जनवरी को जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी पुण्यतिथि नहीं जाती है और मेरे दोस्तों जो घाट है इनका उस घाट को हम क्या बोलते हैं विजय घाट बोलते हैं इनके समाधि स्थल को हम बोलते हैं विजय घाट आगे चलेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क के चलिएगा जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है हमारा कौन सी कंट्री है दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वहां पे आप लोगों का फुस्टिन जो और चेंज तोडेरा और चेंजे तोडेरा को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया है तो देखिएगा जो फोस्टीन साहब हैं, फोस्टीन तोडेरा मेरे दोस्तों वो आप लोगों के सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं मुस्कुरा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिएगा सभी लोग इनको बहुत बढ़िया ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करेंगे कैपिटल क्या है सर कैपिटल बंगुई है वहां के प्राइम मिनिस्टर क्या है फिर आपके नगरे बेड़ा है तो फिर नगरी बेड़ा वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ध्यान रखिएगा दोस्तों अगली जो आप लोगों की है ये मैप है मैप में लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ किन किन देशों से घिरा हुआ है यहां पर चेड रिपब्लिक है यहां पर सूडान है यहां पर साउथ सूडान है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये कैमरून मिलेगा मेरे दोस्तों और ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा. तो ये आप लोगों का जो है घिरा हुआ है सेंट्रल जो अफ्रीकन रिपब्लिक है आप लोगों का ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया निखिल मिल जी शानदार चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो अभिषेक यादव नाम सुना होगा आप लोगों ने ये हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के के पहले डिप्टी जो आप लोगों सेक्रेटरी जनरल है अभिषेक यादव है प्रफुल पटेल यहां के मेरे दोस्तों क्या है हेड है, याद रखेंगे चलिएगा ये सभी खबरें हम सुबह छह बजे पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को चालीसा के रूप में आपको क्या करा रहा हूं रिपीट करा रहा हूं वनीता गुप्ता मेरे दोस्तों वनीता गुप्ता नाम सुना होगा यूएस की एसोसिएट की जो जर्नल है अटोर्नी जर्नल मतलब जो अटोर्नी जर्नल का पद होता है उसमें सहायक बनी है कौन मेरे दोस्तों वनीता गुप्ता फ्रॉम अलीगढ़ इंडिया ओके याद रखेंगे इस चीज को भी बहुत बढ़िया चलिएगा उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट तो देखेगा आरबीआई ने रवि नारायण मिश्रा को फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया है किसका कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का तो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर जो है आरबीआई का उसके फुल टाइम डायरेक्टर बने हैं रवि नारायण मिश्रा याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिमाइंड हो गया होगा डॉक्टर राज अय्यर मेरे दोस्तों तो डॉक्टर राज अय्यर जो है वो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यूएस आर्मी के यूएस आर्मी के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है राज अय्यर है दोस्तों एक बुक का नाम है इंडिया 71 वन टेस्ट इसको लिखा है आर रविशास्त्री ने और इसको लॉन्च किया है रवि शास्त्री ने याद रखेंगे से तालुकात रखते हैं ये ध्यान रखेंगे आर गिरीधरन मेरे राइट अंडर अवर नोज। तो हमारी नोज के अंडर जो राइट गिरीधरन ठीक है तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है बहुत बढ़िया शानदार अगला दोस्तों जीडीपी मेरे दोस्तों फोरकास्ट की है किसने हमारे सांख्यिकी मंत्रालय ने तो जो सांख्यिकी मंत्रालय है राव इंद्रजीत सिंह वाला मेरे दोस्तों उसने जीडीपी फोरकास्ट की है माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट कितना -7. 7 ध्यान रखिएगा ओके आगे चलते हैं फटाफट से ध्यान रखेंगे दोस्तों ओल्डेस्ट लिविंग आप लोगों की जो है अगर हम बात करेंगे क्रिकेटर की इनका नाम था एलन बर्गिज तो एलन बर्गेज का दोस्तों क्या हो गया निधन हो गया और यह कहां से थे मेरे दोस्तों यह न्यूजीलैंड से थे ओल्डेस्ट मेरे दोस्तों आप लोगों के क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ओके सब आप लोगों ने सुबह छह बजे पढ़ा हुआ है रिविजन आप लोगों का हो रहा है है चालीसा के रूप में नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को दोस्तों कर्नाटक ने कृषि संजीवनी वैन को चलाया है तो कृषि संजीवनी वैन लिख करके उसके आगे लिख देंगे कर्नाटक बहुत बढ़िया दोस्तों सुबोध कुमार जैसवाल को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है किसका सी का सी के डायरेक्टर जनरल कौन है सुबोध कुमार जैन है 10 मार्च को रेजिंग डे मनाया जाता है दोस्तों आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नेवी के चीफ हमारे कौन है दोस्तों करमवीर सिंह है एयर चीफ हमारे कौन से आरकेएस मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एम ए गणपति ओके अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बीएसएफ राकेश अस्ताना सीआरपीएफ एपी माहेश्वरी आईटीबीपी सुरजीत सिंह देसवाल एनएसजी सुरजीत सिंह देसवाल एडिशनल चार्ज ओके एनडीआरएफ एस एन प्रधान है और रो समंत कुमार गोयल है एक था टाइगर याद रखेंगे चलिएगा अगले क्वेश्चन दोस्तों क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ध्यान रखिएगा इन्होंने एक सिटी को लॉन्च किया है द लाइन जिसके अंदर ना तो सड़कें होंगी ना गाड़ियां होंगी मैंने बताया था सुबह वाले सेशन के अंदर तो बिल्कुल कार्बन फ्री सिटी द लाइन को किसने मेरे दोस्तों लॉन्च किया है मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है मेरे दोस्तों कहा की क्राउन प्रिंस है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा फटाफट से अपना कमेंट ओके चलिएगा अगले क्वेश्चन पर भाई स्पीड पकड़ो ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे दोस्तों खादी प्राकृतिक पेंट जो खादी प्राकृतिक पेंट है इसको डेवलप किया है किसने केवीआईसी ने लॉन्च करने वाले कौन है नितिन गडकरी तो लॉन्च करने वाले नितिन गडकरी और खादी प्राकृतिक पेंट को डेवलप किया है केवीआईसी ने खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन विनय कुमार सक्सेना याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन अग्नेश जो आपकी खेलेटी है तो इनका मेरे दोस्तों कितने सो साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं ये हंगरी की रहने वाली है और इनका गेम था जिम्नास्ट याद रखेंगे जिमनास्ट इनका गेम था ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया शानदार चलिएगा अगला क्वेश्चन है पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पिचासी है नंबर वन पे आप लोगों का जापान है और नंबर लास्ट पे आप लोगों का अफगानिस्तान है ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों यहां पे बात करेंगे तो आपका जो ढाका मैराथन है ढाका मैराथन में जिगमेट डोलमा का चौथा स्थान मिला है और ये कहां से है मेरे दोस्तों लद्दाख से है तो चौथा स्थान किसका है जिगमेट डलमा का है दोस्तों और अगर आपसे पूछा जाएगा जो हिचमे लखोई थे मोरको के उनका पहला स्थान है और मैराथन कितने किलोमीटर की होती है जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि सुबह के सेशन में बताया हुआ है आप लोगों को चलिएगा हिस्ट्री में जो हमारा बजट पेश होगा उसको हमारी जो निर्मला सीतारमन है एंटी टैक्स लगा देंगी वाली ठीक है ये हमारा पेपरलेस प्रेजेंट करेंगी इसको ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों सीएम ऑफ मणिपुर वीरेंद्र सिंह इनोग्रेटेड चेरी ब्लूसुम फेस्टिवल चेरी फेस्टिवल का फेस्टिवल है, लेकिन 2017 से यह मणिपुर में भी मनाया जाता है तो इसको लॉन्च किया है हमारे किसने एन वीरेन्द्र सिंह ने आपका वर्चुअली अर्थात आभासी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके बाद बयालीस दशमलव वन नाइन किलोमीटर शानदार मेरे

रखा है सुबह 6:00 बजे आप लोगों को दोस्तों अगला एमओयू की बात करेंगे जो हमारा क्या है एनईसी बीडीसी है इसने जम्मू कश्मीर के साथ में समझौता किया है बांस को डेवलप करने के लिए बैम्बो को डेवलप करने के लिए बैम्बो बिजनेस को डेवलप करने के लिए एनईसी बीडीसी से किया है जल्दी से बताएंगे वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है बैम्बो पे एक्साइज ड्यूटी कितनी है आंसर कर दीजिएगा अगला मेरे दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर को घेरने के लिए भारत ने आठ फॉर्मूला दिया है ध्यान रखेंगे कितने सूत्री सूत्री भारत तो नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लिम्बिंग फेस्टिवल आप लोगों का मनाया गया है यह नुब्रा वैली कहां पर है आंसर कर दीजिएगा फटाफट से आगे बने दोस्तों भारत बायोटेक ने समझौता किया है किसके साथ में प्रेस सीसा मेड के साथ में जो कि आप लोगों की कहां की ब्राजील की कंपनी है और आपकी जो भारत बायोटेक है मेरे दोस्तों क्या है उसकी जो वैक्सीन का नाम है देखो ध्यान से समझना भारत को कैसे रखेंगे भारत को वैक्सीन तो भारत को वैक्सीन मिल गई तो को वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की है और कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की है कंफ्यूज नहीं होना अगला क्वेश्चन 321 स्कूलों 321 जो आप लोगों के बच्चे हैं और 18 जो फोक आर्टिस्ट हैं हमारे वो दोस्तों परफॉर्म करेंगे 26 जनवरी 2021 में 321 स्कूल और 80 फोक आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे ध्यान रखिएगा दोस्तों आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का बैन लगाया है किस पे ड्विच बैंक पर और ड्विच बैंक कहां का बैंक है जल्दी से बता देंगे फटाफट से ठीक है आगे बात करेंगे दोस्तों जबकि ढाई करोड़ का किस पे लगाया है बजाज पे लगाया है ढाई करोड़ का दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या पोलियो पोलियो रविवार रविवार को शिफ्ट कर दिया गया है कब के लिए पोलियो रविवार पहुंच चुका है 31 जनवरी 2021 को ध्यान रखना है दोस्तों नवीन पटनायक ने पहला फायर पार्क इनोग्रेट किया है भुवनेश्वर के अंदर तो पहला फायर पार्क भुवनेश्वर के अंदर होगा याद रखेंगे दोस्तों इरडा ने समीक्षा करने के लिए जितने भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी समीक्षा करने के लिए इरडा ने कमेटी को गठित किया है जिसके हेड कौन होंगे इरडा के जो हेड है एससी खुंतिया वही उसके हेड होंगे याद रखिएगा आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों साइदर जैप्रोब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है कहां का किर्गिस्तान का तो किर्गिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको जीतने वाले कौन है है मेरे दोस्तों साइदर है. इंडियन आर्मी ने आइडिया फोर्ज जो कि मुंबई की एक कंपनी है मेरे दोस्तों उसके साथ में ड्रोन को खरीदने के लिए बीस मिलियन का समझौता किया है मतलब क्या खरीदेंगे स्विच ड्रोन खरीदेंगे कौन इंडियन आर्मी किससे आइडिया फोर्ज से बीस मिलियन का समझौता है याद रखेंगे मेरे दोस्तों माघ बिहू कहां का फेस्टिवल है असम का फेस्टिवल है भूल मत जाइएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा इनको स्कोच चैलेंज अवार्ड 2021 से नवाजा गया है स्कोच चैलेंज अवार्ड 2019 अर्जुन मुंडा खुंती से सांसद हैं दोस्तों जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि पैसा पहली बार हुआ है पिछले पचपन सालों में कि कोई नहीं आ रहा इस बार हमारे चीफ गेस्ट किस पर रिपब्लिक डे पर ठीक है मेरे दोस्तों आगे चलेंगे इरिडा वाला हमारा चालीसा हो चुकी है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ने आईपीपीबी जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके साथ में क्या किया है मेरे दोस्तों उसके साथ में आप लोगों का एक समझौता साइन किया है किसके लिए वित्तीय समावेशन के लिए, लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये चीजें आप लोगों को क्या रखनी है धी 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 यान रखनी है ओके चलिएगा तो फटाफट से आप लोगों का सारा का सारा रिवीजन हो जाता है मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 51 इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है आप लोगों का ये कहा गोवा में आज से शुरू हो गया है मेरे दोस्तों इसके अंदर जो सच्चे जीत राय हैं उनको क्या किया जाएगा ट्रिब्यूट किया जाएंगी उनकी पांच क्लासिक मूवी ओके मेरे दोस्तों इंटेल के नए अपॉइंट हुए हैं सीईओ उनका नाम है पैट गैल सिंगर पेट गर्ल सिंगर पेट गर्ल सिंगर सुबह छह बजे डिटेल में पढ़ा था कि इंटेल क्या क्या करता है क्या क्या करता है दोस्तों ये कोड है जीसी टेन जिसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज को अनलॉक कर सकते हैं ये आपकी करंट अफेयर चालीसा थी जहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी अभी मेरे साथ में दस बजे जुड़ जाएंगे शेयर कर देंगे अपने स्टेटस पर लगा लेंगे एक जगह फैला देंगे और ध्यान रखिएगा सुबह तक मतलब कल सुबह तक यहां पर सब्सक्राइबर की संख्या मेरे दोस्तों बीस हजार हो जानी चाहिए तो सुबह तक आपको पढ़ाऊंगा दस बजे शुरू करूंगा स्टैटिक जी के मैराथन फॉर एनटीपीसी ध्यान रखेंगे दोस्तों 500 प्रश्न होंगे पूरे 500 होंगे चार वे भी नहीं जैसे पिछली बार 800 किए थे ओके और दोस्तों फेज टू थ्री वाले जरूर देखें ग्रुप डी वाले बहुत ध्यान से देखें एंड और एसएससी वाले बिल्कुल ना हट जाए देखें ध्यान से सीएचएसएल वाले बहुत ध्यान से इसको देखना है इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आप तो अभी से बैठ जाओ ठीक है चलिएगा तो ये सारा का सारा का था एक तरीके से आपका रिवीजन रिवीजन हो जाता है टाटा भाए भाए है टाटा बाय बाय जैसे कि रिवीजन का जिम्मा मेरा है चलते हैं तो आ जाइएगा लाइक कर दें शेयर कर दें बहुत बढ़िया शानदार तरीके से थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया सीजीएल बिल्कुल ममता जी ममता जी एसएससी में बोल दिया ना एक ही बात है तो सीजीएल वाले तो अभी से बैठ टकी लगा करके हटे ना उनके लिए तो इतना महत्वपूर्ण है चलो वीकली टेस्ट कल होगा वीकली टेस्ट अटन वाला कल होगा बारह बजे ठीक है चलो टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया शोभा चौधरी जी ठीक है बहुत बढ़िया मतलब सबको ध्यान से देखना है शेयर कर दो लाइक कर दो दस बजे आ रहा हूं पूरे आधे घंटे के अंदर ठीक है सुपर टेट वालों के लिए तो ये है ही दोस्ती तो बना ही सुपर टेट वालों के लिए है ठीक है चलिएगा लेकिन क्या करें सुपर टेट वाले जल्दी सो जाते हैं ठीक है चलो टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत